Okay, all right, let's begin. Designing softwares. What are designing softwares? Look, 3D design softwares, ये जो 3D design softwares हैं, क्योंकि designing हम लोग हमको पता है कि आजकल virtually हम कोई भी 2D drawing को 3D drawing में ही convert करने के लिए design कर रहे हैं, बड़ी चीज का हम designing इस तरह से नहीं करेंगे, है ना। तो हम 3D ही design softwares के बारे में बात करते हैं, 3D के अलावा अगला D जो है design में अब तक आया नहीं है, है ना। तो 3D design softwares, इनको जो है आप डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में। पहला है कैड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी, कैड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी, और दूसरा है 3D मॉडलिंग, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। द कैड सॉफ्टवेयर, ये जो डिजाइन का ये जो आपका भाग है कैड सॉफ्टवेयर वाला, ये इस्तेमाल किया जा सकता है टू मेक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल। और 3D मॉडलिंग जो होती है वो यूज्ड आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो 3D मॉडलिंग जो भी है ये बनाया जाता है, जैसे कि आपका फिल्म एनिमेशंस, फिल्म एनिमेशन, आपका वीडियो गेम्स, ऑर्गेनिक डिजाइंस। ऑर्गेनिक डिजाइंस ही होती है वीडियो, ऑर्गेनिक मतलब कोई भी चीज जो है चल रही है, सजीव दिख रही है, तो ऑर्गेनिक डिजाइन, जैसे वीडियो गेम अपने आप में एक ऑर्गेनिक डिजाइन है, ठीक है। और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, आजकल आपने बहुत नाम सुना होगा 3D प्रिंटिंग का, वहां भी जो है आपका ये इस्तेमाल होता है 3D मॉडलिंग का, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का, ठीक है। और कैड का जो है इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन में है, मतलब मैकेनिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप, ठीक है। और इनका इस्तेमाल और भी जगहों पे होता है, जैसे कि मैकेनिकल डिजाइन में, इंडस्ट्रियल डिजाइन में, आर्किटेक्चर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और है ना, इन सब के लिए जो है इसका मुख्य रूप से जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, आर्किटेक्चर, एरोस्पेस, ठीक है, एरोस्पेस, है ना। तो कैड के सॉफ्टवेयर जो 3D हमारा जो एरिया है वो ये वाला है, कैड सॉफ्टवेयर का, इंडस्ट्रियल डिजाइन, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, इनसे रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड, है ना, एरोस्पेस की भी जो चीजें हैं डिजाइनिंग का उसमें, है ना। तो इसमें हम लोग मेजर कर पाएंगे क्या, तो जो कैड का सॉफ्टवेयर है हमारा मुख्य रूप से, आपको ये पता चल गया कि 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर क्या है, तो हमारा जो इसमें एरिया है कैड सॉफ्टवेयर का, ये जो एरिया है कैड सॉफ्टवेयर का, जो एरिया है आपका कैड सॉफ्टवेयर का, एडवांस रेंडरिंग और एनिमेशन फील्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है, एडवांस्ड रेंडरिंग एनिमेशन, ठीक है। तो अब इसमें से जो हमारा, जो हमने एरिया चुना है, जो हमारा पढ़ना है हमको कैड सॉफ्टवेयर, है ना, इस एरिया की जो पढ़ाई है
इसको करने के लिए और इसको आगे समझने के लिए हमको ऑटो कैड सबसे पहला नाम आता है इसमें, ऑटो कैड की दुनिया का, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। और ऑटो कैड के बारे में हम लोग जानते हैं बहुत कुछ। ऑटो कैड इज अ कमर्शियल ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? यूज इन ड्राफ्टिंग, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के फील्ड में इसका बहुत आयत से इस्तेमाल होता है। सिविल ले लो, मैकेनिकल ले लो, इनफैक्ट आर्किटेक्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग में भी कई बार इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये पहला तो ये है, इसके बारे में ये पता चला, ये कमर्शियल ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन, दिस इज अ कमर्शियल ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन। दूसरा ये लॉन्च कब हुआ था उसका? लॉन्च्ड इन दिसंबर 1982 में इसको लॉन्च किया गया। और इसे लॉन्च करने वाली जो कंपनी का नाम है ऑटो डेस्क, ऑटो डेस्क ने लॉन्च किया दिसंबर 1982। अर्ली एजेस कंप्यूटर का, जब सेकंड 2G सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जब लॉन्च चल रहे थे उसी समय का है ये ऑटो कैड, उसी टाइम जो है ये आया भी था अस्तित्व में। ठीक है, और मैं बता भी चुका हूँ ये इस्तेमाल हो सकता है यूज इन ड्राफ्टिंग, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में कौन कौन से, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर में भी इस्तेमाल होता है। और इसको हमें पता है कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, डिजाइन बना चुके हैं फॉर बोथ 2D एंड 3D, 2D और 3D दोनों के लिए। ठीक है, और ये काम क्या करता है, करता क्या है, ब्लूप्रिंट बनाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ एनी प्रोडक्ट कैन बी मेड इजीली। किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट, खाका तैयार करेगा, किस किस चीज का खाका तैयार कर सकता है, आपका बिल्डिंग का, बेजेस का, मशीन पार्ट्स का, मशीन पार्ट्स का, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का, अच्छा मैं बताना भूल गया, ये मैटलैब तो हो ही जाता है प्रैक्टिकल में, पर वही चीज जो है आपका इसमें भी हो जाएगी, मैटलैब में तो हो ही जाता है, अब वही चीज आपका इसमें भी हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और इनफैक्ट कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप्स में भी वही चीज होती है, वो भी हम जाएगी। ठीक है, तो ये हाईली प्रिफर्ड है इस कैटेगरी में ये सब चीजें बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा देखिए, जब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जब इस्तेमाल में नहीं था, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, when ऑटोकैड वॉज देयर, जब ऑटोकैड नहीं था आपके, तब क्या होता था, जब ऑटोकैड नहीं था, लार्ज पेपर वॉज यूज फॉर ड्राफ्टिंग, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लार्ज पेपर वॉज यूज फॉर ड्राफ्टिंग। और आपका ये सब्जेक्ट जो है ड्राफ्टिंग कराता था, ये कौन सा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आपका सब्जेक्ट है, कई लोग 1 और 2 दो भाग में पढ़ते हैं, आप वहां पे एक शीट लेके आते हैं ना, ए4
A2 शीट में आप लोग जो है काम करते हैं, कई जगहों पे A1 भी हो जाता है, तो लार्ज पेपर में जो है ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और ऑटो कैड, जब ऑटो कैड आया तो भैया हाई प्रिसीजन डिजाइन हो गई, हाई प्रिसीजन डिजाइन इन लेस टाइम। क्या समझते हैं आप हाई प्रिसीजन? ये ऑटोकैड का सबसे बड़ा मुख्य रूप से फायदा हमारे सामने हुआ कि और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं ऑटोकैड के इस फायदे। फिर आपका दूसरा जो सॉफ्टवेयर आता है वो है कैटिया। ऑटोकैड के बारे में हमने पढ़ लिया और अब हम कैटिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैटिया एक्चुअली है क्या? पहले तो बजाने का नाम है कैटिया कैड सॉफ्टवेयर, पूरा नाम है कैटिया कैड सॉफ्टवेयर। इसको किसने डेवलप किया है? डेवलप्ड बाय Dassault एक एविएशन की कंपनी भी है, आपने देखा होगा जो राफेल मामले में जो भी पॉलिटिकल कैंपेन बना था 2019 में, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड का ये जो पूरा किस्सा था Dassault के ही बनाए हुए राफेल एयरक्राफ्ट के हुआ था, ठीक है। तो राफेल एयरक्राफ्ट बनाने वाली जो कंपनी है Dassault एविएशन, उसी ने डेवलप किया है कैट या कैट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसने बनाया था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो बाद में जो है ये इतना कमर्शलाइज हो गया सबके लिए जो है एज अ फ्रीवेयर इस समय कई जगहों पे उपलब्ध है, पुराना वर्जन इसका है ना, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कैट या कैम सॉफ्टवेयर जो भी है, ये सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये है कि इट्स प्रोवाइड्स सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल प्लेटफॉर्म देता है कैड के लिए, कैम के लिए। कैम के आपको मतलब पता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर डिजाइन, ठीक है। एंड CAE तीनों के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ये सारी जो है चीजें एक साथ करता है, ठीक है। और कैडिया का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो सबसे बड़ा फायदा इसका निकल के आ रहा है वो क्या है? करता है इनोवेट करता है, ये अपने आप में डिजाइन का एवोल्यूशन करता है इनोवेट। पहले में तो आप चलो बिल्डिंग डिजाइन करते थे, जो भी चीजें नॉर्मल यूज किए हैं बिल्डिंग ब्रिजेस मशीन पार्ट इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्यूटर जो ऑलरेडी हैं हमारे पास, उनकी आपने डिजाइनिंग कर ली, पर ये इनोवेशन को भी प्रमोट करेगा। इनोवेशन मतलब एक नई चीज जो है आपके सामने निकल के आ रही है उसको भी ये चीज प्रमोट करेगा, तो है ना। तो ये इनोवेट करता है प्रोडक्ट डिजाइन को और उसके जुड़े एक्सपीरियंस, ठीक है, इस तरह से बाय इंटीग्रेटिंग various approaches into product design and development, ठीक है। किस तरह से बहुत सारी अप्रोच प्रोडक्ट डिजाइन और
डेवलपमेंट की, ये तीनों चीजें जो कैड कैम और सीए ही है, इससे जुड़ी हुई चीजों को एक साथ यूटिलाइज कर अप्लाई करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इट्स अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो इनोवेशन के बारे में हमें इसके बारे में पता चला, इसका यहाँ कीवर्ड था जो है वो था इनोवेशन, प्रोडक्ट डिजाइन और सॉफ्टवेयर के इनोवेशन को लेकर, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत इस्तेमाल, बहुत ही यूजफुल है, वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल क्रिएटिव डिजाइनर्स, मैकेनिकल डिजाइनर्स, क्रिएटिव डिजाइनर्स हैं, कैडिया में बहुत ज्यादा काम होगा क्रिएटिव डिजाइनर्स का, डिजाइनर्स, मैकेनिकल डिजाइनर्स, मैकेनिकल एंड आर्किटेक्ट्स, ठीक है। ये भी उन्हीं तरह की चीजों को लेके, उन्हीं तरह की डिजाइनर्स को जो है लेके आगे बढ़ता है जो पुराने वाले ऑटोकैड में थी, ठीक है। आर्किटेक्ट्स, ठीक। अब कैटिया 3D डिजाइन एनवायरनमेंट देता है प्रोडक्ट मॉडलिंग के फॉर्म में, ठीक है, ये आपको पता है, हमें पहले से हमने इसको डिस्कस कर रखा है। अब जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो बड़े नाम आते हैं, जो बड़ा नाम आता है नेक्स्ट, वो है सॉलिड वर्क्स का, ठीक है। सॉलिड वर्क्स आपने बहुत नाम सुना होगा, सॉलिड वर्क्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड वर्क्स एक्चुअल में है क्या। ओके, तीसरा सॉलिड सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर, देखिए इससे क्या मतलब है, सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड, ये सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग किसने की थी, बाई डेसॉल्ट सिस्टम, वो वाला डेसॉल्ट नहीं, ये है डेसॉल्ट सिस्टम, है ना, डी, आप लोगों को बस नाम याद करने हैं, डेसॉल्ट्स, डेसॉल्ट सिस्टम्स, ठीक है, डेसॉल्ट्स सिस्टम्स, ये बस आप नाम याद कर लीजिएगा, ओके। और ये है क्या सॉल्वेयर, इट इज पैरामीट्रिक फीचर्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर, पिछली बार मैंने बताया था ना पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के बारे में फर्क, ये पैरामीट्रिक फीचर्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसमें जो फीचर्स इंक्लूडेड है वो कौन कौन से हैं, फीचर्स इंक्लूडेड आर लाइक, जैसे इसमें है डिजाइन वेरिफिकेशन टूल्स, और रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है।
एज क्यों? क्योंकि एज इट इज प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है ये सॉफ्टवेयर, आसान भी आप देखेंगे आप जब पढ़ेंगे आगे तो आपको ये काफी आसान लगेगा, डिटेल्ड एज इट इज प्रैक्टिकल एंड डिटेल्ड, ठीक है। अब सॉलिड वर्क जो होता है वो इस्तेमाल करेगा आपका नर्व सॉफ्टवेयर का, यूजेस एन यू आर बी एस नर्व्स सिस्टम। इसका मतलब हम आपको आगे बाद में जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में तब हम बताएंगे इसका मतलब, ठीक है। नर्व सिस्टम, और दूसरा अगला सबसे मुख्य फायदा इसका ये है नर्व सिस्टम यूज करता है, और इसी सिस्टम से तहत ये अलाउज वाइड क्रिएचर टू बी क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ पॉलीगन मॉडलिंग, इंस्टेड ऑफ पॉलीगन मॉडलिंग इट यूजेस डायमेंशनल स्केचिंग, यूजेस डायमेंशनल डायमेंशनल पॉलीगन मॉडलिंग से अच्छा की जगह भी डायमेंशनल स्केचिंग का इस्तेमाल करता है। इन टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ये सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। और ये क्या करते हैं, डायमेंशनल स्केचिंग क्या फायदा करता है, ये कम कर देता है हैजल ऑफ रिसाइजिंग, बार बार रिसाइज करने की जरूरत को हटा देता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पॉलीगन मॉडलिंग डायमेंशनल स्केचिंग, जैसे कि हमें ऑटोकैड में बार बार करना पड़ता है, आपने जब डायग्राम्स बनाए हैं तो आपने देखे हैं ये चीजें, है ना। पॉलीगन जब हम बनाते थे कोई क्लोज सरफेस तो बार बार उसमें हमें जो है डायमेंशन बार बार लेना बदलना पड़ता है, तो इसमें वो चीज नहीं होती है। सॉलिडवर्क सॉफ्टवेयर एक बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, और ऑटोकैड से भी ज्यादा मुझे ठीक लगा अपने पर्सनल लेवल पे। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रियो। व्हाट इज क्रियो सॉफ्टवेयर? क्रियो सॉफ्टवेयर क्या है? टॉप कैड सॉफ्टवेयर, है ना। और इसे डेवलप किसने किया है? डेवलप्ड बाय पैरा मीट्रिक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, ठीक है, अराउंड 1990s, ठीक है। और फायदा क्या है? इंटीग्रेट्स फंक्शंस सच एज थर्मल फंक्शंस को, स्ट्रक्चरल फंक्शंस को,
आपकी मोशन फंक्शंस को, पैरामीट्रिक फंक्शंस को, फ्री स्टाइल सरफेस जनरेशन, डायरेक्ट और डायरेक्ट मॉडलिंग, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मॉडलिंग, इन सारी चीजों को ये क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा एक साथ में, इंटीग्रेट्स दीस फंक्शंस सच एज, ठीक है। तो एक ही डिजाइन में, एक ही सॉफ्टवेयर में जब आप डिजाइनिंग कर देंगे क्रियो में, तो उसको आप हर एक लेवल पे एनालाइज कर ले सकते हैं, चाहे उसके थर्मल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई चीज हो उससे इसको आधार पर एनालाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल में कमी है अगर उसको चला के भी आप देख सकते हैं, मतलब चलने में कोई दिक्कत तो यहाँ पे डिजाइन सॉफ्टवेयर के लेवल पे कोई तो नहीं है, पैरामीट्रिक लेवल पे देख सकते हैं, ठीक है। और भी जो भी इंपीडेंट्स आ सकते हैं उनके लेवल पे भी आप देख सकते हैं। तो ये क्रियो जो सॉफ्टवेयर है ये अपने आप में कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर, इट्स द बेस्ट सॉफ्टवेयर दैट आई हैव नोन सो फार, ठीक है। और इनसे भी मतलब इन सभी जो पीछे पड़ी डिजाइन में जो हम एनालिसिस कर सकते हैं उससे सबसे अच्छी जो है हम इसी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं जो है आपकी क्रियो, ठीक है। और क्रियो देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत फायदेमंद है, ठीक है। ऑल्सो इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आप जब पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइंसेस तब आपको पता चलेगा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती क्या, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है ना अलाउ जो क्या करता है, विच अलाउज ऑल डाइमेंशंस टू बी क्रिएटेड, to be created, calculated while modeling final product. मतलब ये dimensions की आपको फिकर नहीं, पहले आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो है अपने dimensions को जो है calculation के हिसाब से आप वहां पे set कर सकते हैं, ठीक है। अलग मतलब calculation के हिसाब से जो है dimensions इसमें लग जाएंगे आराम से, ठीक है। और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया है, जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसका क्रियो का, उस लेटेस्ट क्रियो के वर्जन में हम लोग जाने हैं उसमें क्या है, लेटेस्ट जो वर्जन, लेटेस्ट वर्जन क्रियो 5.0 है, लेटेस्ट क्रियो 5.0। और ये रिलीज हुआ है कब, ये रिलीज है 2018 में। और इसमें एक एडेड फीचर है, क्या है, एड ऑन फीचर। जो एड ऑन फीचर है वो ये है, इम्प्रूव्ड यूजर इंटरफेस, इम्प्रूव्ड यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस में इंप्रूव कर दिया गया है फॉर बेटर हैंडलिंग, और बेटर ठीक है। ये क्रियो में एक नई चीज हुई है। अब जो आपके सिलेबस के हिसाब से जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर लास्ट हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ओके, जिसका नाम है फ्यूजन 360, फ्यूजन 360। ये जो सॉफ्टवेयर है फ्यूजन 360,
ये बाकियों में एक कदम आगे, और ये किस तरह से आगे है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्लाउड बेस्ड है, ये क्लाउड बेस्ड सीएडी सॉफ्टवेयर है। यानी आपके पास अगर कहीं और डिवाइस में भी दो जगह से आप लॉगिन है, तो ये इस तरह से आपका सेव कर लेगा जो डिजाइन आपने बनाई है, कि आप उसको जिस तरह से मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं वैसे उस तरह से आपको अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में भी एक्सेस कर सकेंगे। जैसे कि आपका क्लाउड बेस्ड हो गया आजकल क्रोम, क्रोम में अगर आप लैपटॉप और अपने मोबाइल दोनों से अगर लॉग इन है सेम आईडी से, तो अगर जो सर्च आपने गूगल क्रोम पे मारी हुई है गूगल सर्च पे अपने मोबाइल में, वही सेम टू सेम सर्च जो है आपको आपके लैपटॉप पे भी जब आप जाएंगे हिस्ट्री ब्राउजर हिस्ट्री में, तो आपको वही सर्च जो आपने मोबाइल में की थी वो आपके लैपटॉप में आपको दिख जाएगी, है ना। और इसमें एक सबसे यूनिक बात क्या है, यूनिक बात क्या है इसमें, ये अलाउ करती है, अलाउज मल्टीपल डिजाइन टीम्स कई सारे डिजाइन टीम्स एक साथ काम कर सकती हैं, ठीक है। इसे होगा क्या, इससे होगा क्या, कोलैबोरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इट स्टोर्स, और दूसरी यूनिक चीज क्या है इसके बारे में, स्टोर्स ऑल हिस्ट्री ऑफ चेंजेस टू मॉडल, जो भी चेंज आप करोगे मॉडल में, है ना, वो इसमें स्टोर हो जाएगी और वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, और इसमें जो है डिजाइन ऑप्शंस में क्या यूनिक है, डिजाइन ऑप्शंस में क्या यूनिक है, ये देखें, जैसे कि फ्रीडम, फ्री फॉर्म, आपकी सॉलिड एंड मेश मॉडलिंग, ठीक है। डेवलपर्स ऑल्सो रेगुलरली अपडेट द फीचर्स टू मेक इट बेटर, डेवलपर्स इसमें और भी जो है समय समय पर बदलाव लेके आते रहते हैं, ठीक है। और डिजाइन ऑप्शंस क्या है ये इसमें, कि रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे रन कर जाती है, रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोवाइड यूजर्स विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ना बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन करती है, जैसे कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से भी रन कर जाएगी, ठीक है। जैसे विंडोज ना हो के आपके पास लाइनेक्स है, तो लाइनेक्स पे भी अगर आपने इसको इंस्टॉल कर रखा है तो वो आपके नाम से लॉगिन है, तो वो उसी तरह से लॉगिन मारेगा जो आपने अपने विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो है 10 वाले वर्जन से आपने किया होगा, है ना। तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आराम से जो है चल जाती है, और एंड इजिली एक्सेसिबल है उसी से, ठीक है। फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये हमने जो है 5 सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा जो हमारे जो है इसमें इस्तेमाल होने वाले थे हमारे इस लेवल के सिलेबस पे, आगे भी हम और डिस्कस करते चलेंगे, ओके। तो जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी उससे पूछ सकते हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी हियर।